नमस्कार, स्वागत है आपका सच कहूं में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि देश को एकजुट करने का काम अगर कोई भाषा कर सकती है तो वो है हिंदी। हिंदी दिवस के मौके पर उन्होंने राष्ट्र को शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत कई भाषाओं का देश है और हर किसी का अपना महत्व है, लेकिन पूरे देश में एक भाषा का होना बेहद जरूरी है जो दुनिया में उसकी पहचान बने। आज भारत को एकता की डोर में बांधने का काम कोई भाषा कर सकती है तो वो है हिंदी। आंध्र प्रदेश सरकार ने मंदिरों में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग और महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। वहीं बीजेपी ने जगमोहन रेड्डी सरकार के इस फैसले को हिंदू भावना के खिलाफ बताया है। आंध्र प्रदेश के एक बीजेपी नेता का कहना है कि राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो दलित ईसाई बन चुके हैं उन्हें हिंदू मंदिरों में किसी पद पर नामित ना किया जाए। पाकिस्तान का अपने ही सैनिकों को लेकर भेदभाव का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान का ये दोहरापन दिख रहा है। असल में पाकिस्तान सीमा पर मारे जाने वाले पंजाबी मुस्लिम जवानों के शव तो ले जाता है, लेकिन पीओके या अन्य हिस्सों में रहने वाले जवानों के शव नहीं लेकर जाता है। राजस्थान के जोधपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां आईआईटी की पढ़ाई करके लौटे युवक का शव पटरियों पे बरामद हुआ है। युवक आईआईटी की पढ़ाई करके नौकरी करने के बजाय दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहा था। वहीं घटना स्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि युवक अपने आप ही ट्रेन के आगे कूद गया। मृतक युवक के परिवार वालों ने अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या का मामला दर्ज करके इसकी जाँच कर रही है। सेंट्रल दिल्ली के मंडी हाउस इलाके के पास स्थित बाबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिक पोतने का मामला सामने आया है। बंगाली मार्केट में बाबर रोड के साइन बोर्ड पर शनिवार सुबह किसी ने काला रंग लगा दिया। हिंदू सेना से जुड़े लोगों पर साइन बोर्ड पर कालिक पोत जाने का आरोप लगा है। दिल्ली के ख्याला इलाके में एक लड़की को जिंदा जलाकर जान से मार दिया गया। आरोप है कि दहेज के लालच में लड़की के पति और उसकी सास ने केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी। घटना 8 सितंबर को ख्याला इलाके में हुई। 95% जली लड़की की सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पूनम की शादी अमित लथुरा नाम के शख्स के साथ लगभग 5 साल पहले हुई थी। इन दोनों की एक 4 साल की बेटी भी है। पटना के एग्जीबिशन रोड इलाके में गुरुवार की दोपहर में एक महिला से वाहन चेकिंग के दौरान चालान वसूलने के मुद्दे पर स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। इसमें पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। यही नहीं, मामला इतना बढ़ गया था कि स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच जमकर मारपीट हुई। देश में आर्थिक सुस्ती का माहौल है। इसका असर रियल एस्टेट सेक्टर पर भी देखने को मिल रहा है। सेक्टर को बूस्ट देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कई बड़े ऐलान किए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का फंड उन अधूरे प्रोजेक्ट को देने की घोषणा की है जिसमें 60% काम हो चुका है। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीमगर्ल रिलीज हो चुकी है। फिल्म का इंतजार फैंस को बेसब्री से था। डायरेक्टर राज शांडिल की बनाई इस फिल्म में दर्शकों से बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। इस कॉमेडी फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले ही दिन 10 करोड़ की कमाई कर ली है। चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली छात्रा ने साक्ष्य के तौर पर शुक्रवार देर शाम विशेष जांच दल को एक पेन ड्राइव सौंपा जिसमें 40 से ज्यादा वीडियो हैं। पीड़िता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाया है कि वो सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि कई अन्य छात्रा का भी यौन शोषण करते थे। वहीं चिन्मयानंद के अधिवक्ता ने सफाई देते हुए कहा है कि मसाज और मालिश कराना कोई अपराध नहीं है। एसआईटी ने शुक्रवार देर शाम तक पीड़ित छात्रा के साथ चिन्मयानंद के आवास पर पूछताछ की। वहीं भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। टीम ने छात्रा की मां को पूछताछ के लिए बुलाया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सच कहूं न्यूज़। धन्यवाद।